Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have read about non-food crops. हमने इस लेसन में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर हमारे अलग अलग प्रकार उसके पढ़े, उसके बाद किस प्रकार हमारे कौन कौन फसलें उगाई गई, उसमें हमने फूड क्रॉप पढ़ी, उसके बाद हमारे पास नॉन फूड क्रॉप हमने पढ़ी। नॉन फूड क्रॉप में हमने कौन सी पढ़ी? रबर, देन आफ्टर टी को ना रबर, जूट, कॉटन एटसेट्रा। अब हमारे पास की इतनी सारी खेती बाद में काफी समय से हो रही है, उसके लिए हमने क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल तकनीकी इंस्टीट्यूशन संस्थागत सुधार किए हैं, वी आर गोइंग टू रीड इट अबाउट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग वी हैव रीड अबाउट एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, हमारा मुख्य व्यवसाय है खेती। एंड वी आर डूइंग इट फ्रॉम थाउजेंड ईयर्स अगो, हम कोई हजारों सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसके अंदर ज्यादा, जब तक टेक्नोलॉजिकल हमारे यहाँ ज्यादा कोई तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे पास का डेवलपमेंट नहीं हो पाया अच्छे से, यानी ज्यादा सुधार हमारे यहाँ खेती में ज्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने कोई ज्यादा सुधार के लिए कोई कदम महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। हमारे 60% ज्यादा पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर निर्भर है हमारे 60% ज्यादा पॉपुलेशन। हमारे कुछ सुधार किए गए, वी हैव प्रोवाइडेड विद द इरिगेशन फैसिलिटीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में डैम बनाए, कैनल्स निकाली, वहां से बांध बना के नहरें निकाल दी गई सिंचाई के लिए, और हमने प्रयास की सिंचाई की व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए कनेक्शन प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो प्रोवाइड किया ताकि ट्यूबवेल्स आसानी से चल पाए। उसके बावजूद भारत में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं विच आर स्टिल नॉट गेटिंग द वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, और बहुत सारी जमीन हमारी इसलिए खेती नहीं हो पाती क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, नहीं हमारे पास अच्छी क्वालिटी के, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट है, मॉडर्न इनपुट्स है हमारे पास, आधुनिक सारे साधन नहीं है खेती करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के बीज टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के लिए जस्ट टू फीड दैट पार्टिकुलर पॉपुलेशन, उसको उस पेट भरने के लिए, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो किसान है उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ ये चीजें टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करें, तकनीकी और संस्थागत सुधार करें। एक टेक्नोलॉजिकल जहां तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाए, इंस्टीट्यूशन कुछ संस्थान स्थापित करें जो उनकी मदद करते हो, किसानों की मदद करें, कुछ संस्थान स्थापित करें, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स है टेक्नोलॉजिकल जहां तकनीक का इस्तेमाल, जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर में डेवलप की टेक्निकल रिफॉर्म है, हाईली वैल्यूएटेड सीड्स हमने फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग करके पहुंचाए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या है कि हमने बैंक स्थापित कर दिए लोन देने के लिए, उसके साथ साथ हमने संस्थाएं स्थापित कर दी कि देखें कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट बना दें उसकी, उसके साथ साथ हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दें, संस्थागत सुधार है। तो तकनीकी जहां तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को हमने डेवलप किया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। इंस्टीट्यूशनल बैंक स्थापित करना, इंश्योरेंस की सुविधाएं दे देना, कृषि कार्ड बना देना, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित कर देना, ये सारी हमारे पास है इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। अब इन सारे रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में काफी समय से कोई प्रोडक्शन में कोई बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ, जैसा सुधार होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, इसलिए हमें इसकी जरूरत थी। अब सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए उसके लिए, तो आप इसमें देखो कलेक्टिवाइजेशन, कि जैसे ही हमारे यहाँ इनकी सुधार की जरूरत हुई तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रयास कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या है? इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव रीड इट इन द रशियन रिवॉल्यूशन, इन द लास्ट रशियन रिवॉल्यूशन में स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने 9th क्लास थोड़ी ध्यान से पढ़ी होगी याद आ गया होगा, स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया था। कलेक्टिवाइजेशन का क्या था कि अगर हमारे पास लैंड होल्डिंग्स कम है, यानी एक गांव में 400 घर ऐसे हैं जो खेती करते हैं, खेती पर डिपेंड है, लेकिन उनके पास किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, किसी के पास एक एकड़ जमीन है, किसी के पास हो सकता है 1.5 है, अब उतनी खेती के ऊपर ज्यादा अच्छी खेती इसलिए नहीं हो सकती, न तो ट्रैक्टर की फैसिलिटी ले सक पाते हो इतने छोटे से खेत के लिए, न अच्छे खाद और बीज खरीद पाते, न टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के तहत और अगर कोई फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाती, क्यों ना कलेक्टिवाइजेशन इकट्ठा करके खेती करें। कलेक्टिवाइजेशन में क्या था कि प्रोत्साहित करें किसानों को, जस्ट इनकरेज द फार्मर्स फॉर कलेक्टिवाइजेशन, कि हम इकट्ठा होके यानी 4-5 एकड़ जमीन इकट्ठी करें फिर खेती करें, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिवाइड द शेयर, उसके बाद शेयर कर लें उसका, जमीन के अनुसार अपना हिस्सा बांट ले बाद में, क्योंकि उसके अंदर बाकी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसका बेनिफिट तो लें। अब दूसरा था कंसोलिडेशन,
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स जो जमीन हमारे पास है, कंसोलिडेशन क्या है? अब मान लो कि आपके पेरेंट्स के पास 5 एकड़ जमीन है अब इसमें से 3 एकड़ तो है लक्ष्मणगढ़ रोड पर, लक्ष्मणगढ़ में कहा मुकुंदगढ़ रोड पर, और 2 एकड़ आपकी सालासर रोड पर, यानी अलग अलग होगी दोनों दो दिशाओं में। उसके बाद आप 2 या 3 भाई बहनों तो वापिस हाफ हो जाएगी कि यहां 1 एकड़ आपको मिली और यहां मिली 1.5, अब आपकी फिर 2 हिस्सों में आपको मिली दोनों को। अब आप चेंज इसको इस प्रकार नहीं कर सकते क्योंकि यहां 3 है या 2 है, आपको 1 यहां मिली, 1.5 यहां मिली, नेक्स्ट जनरेशन में आपके पेरेंट्स के पास थी। अब उसके बाद अगर आप 2 भाई बहन है या 2 भाई हैं तो उसके बाद क्या आ गया कि दोनों में बटी, तो ये यहां से तो आपको 1.5 आई, यहां 1 आई, दोनों को यहां 1-1 आई, यहां 1.5 आई। अगर आप चेंज करा दें, चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसको बोले कि आप तो यहां ले लें और मैं यहां ले लूं, देखो एक आधे का अंतर भी है, हाफ ज्यादा है, तो कैसे छोड़ देगा इस जगह को आपके लिए? ये तो छोड़ देगा, ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है 3 फिर 2 आप पर, लेकिन आपको अलग अलग मिली ना। फिर अब कंसोलिडेशन में क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या है, सरकार ये प्रयास करेगी कि किस प्रकार इस जमीन को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी आपके कोई भी पड़ोसी ऐसे हो जिसकी जमीन उधर भी हो और यहां भी हो तो उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाए कि उसको दबा देते आपको यहां मिल जाए, या आपको यहां मिल जाए उसको यहां मिल जाए, बराबर हो जाए दोनों। तो लैंड होल्डिंग से उनको इकट्ठा कर दिया जाए, यानी एक ही किसान के नाम से अलग अलग जगह पर जमीन है तो क्यों ना उसको इकट्ठी कर दी जाए, यानी इसी प्रकार कई किसान होंगे जिनकी समस्याएं होंगी कि अलग अलग टुकड़े हैं उनके, तो इस प्रकार का प्रयास किया जाए कि लैंड होल्डिंग से वो इकट्ठी हो जाए किसी प्रकार, यानी एक ही किसान की एक ही गांव में अलग अलग जगह पर जमीन है, अलग अलग दिशाओं में है, छोटी कम जमीन है, उसको इकट्ठा कर दिया जाए। कंसोलिडेशन है लैंड होल्डिंग का, उनको मजबूत करना, कंसोलिडेशन होता है मजबूत करना, मजबूत क्या जमीन को इकट्ठा कर देना। कलेक्टिवाइजेशन में फार्मर्स खुद इकट्ठे होकर खेती करेंगे, उनके पास जमीन कम है। कंसोलिडेशन में आपके पास जमीन है लेकिन अलग अलग जगह है तो क्यों ना इस प्रकार किसी दूसरे के साथ उसको इंटरचेंज कर लिया जाए कि आपकी इकट्ठी हो जाए, गवर्नमेंट ने प्रयास किया। अब उसके बाद है, इससे पहले कोऑपरेटिव्स का आया था सहकारी, यानी खुद लोग अपने पास जो सेविंग्स है उनको इकट्ठा करें, उसके बाद एक दूसरे का सहयोग करें। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी के अंतर्गत क्या होता, जमींदार के पास सारी जमीन के ऊपर खेती कराता, बाकी तो रेंट पर रखता किसानों को, यानी जमीन का वास्तविक मालिक जमींदार होता, उसको खत्म कर दिया गया, वास्तविक जमीन किसको मिले, खेती करने वाले को। तो इस प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स के बहुत सारे प्रयास किए सरकार ने, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई, सरकार ने योजनाएं तो बना दी, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में लैंड रिफॉर्म को मुख्य टारगेट किया गया भारत में, पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई भारत में उसके अंदर ही लैंड रिफॉर्म को टारगेट किया गया। उसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट भी बनाया गया था कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, किसान के पास ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, लेकिन उसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया, जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए मेजर्स अपनाए थे उसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया। अब उसका परिणाम क्या निकला कि हमारे यहां व्यवस्था वैसे वैसे गरीबी की बनी रही, कुछ के पास बिल्कुल जमीन नहीं, कुछ के पास 100-150 एकड़ तक जमीन थी। उसके बाद फिर वापिस हमारा प्रयास किए गए कि किसी प्रकार से खेती का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उसके बाद 1960s और 1970s में, 9th क्लास में आप ये भी पढ़ के आए थे, 1960s इंपॉर्टेंट, एनी वन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 1960s फॉर द इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हमारे पास 1960s और 1970s में सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती में सुधार करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई, जिसमें हमारे पास एक ग्रीन रिवॉल्यूशन शामिल था जिसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और दूसरा हमारे पास व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूसरी थी व्हाइट रिवॉल्यूशन, 2 इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया, एक नंबर में आ सकता है कि व्हिच रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन थी, पीजे कुरियन अगर नाम याद है जिसने किसका शुरुआत की थी ये। तो हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन 1960s 1970s में, इसका असर कुछ एक एरिया तक रहा।
कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर ज्यादा कहां हुआ, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए 3 लाख में बढ़ा, यानी ज्यादा देश तक पूरे देश तक इसका विस्तार नहीं हो पाया, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। उसी प्रकार व्हाइट रिवॉल्यूशन कहां शुरू हुई थी, गुजरात, तो गुजरात के आसपास के इलाकों में बेनिफिट ना, बाकी जगह तक इसका असर नहीं पहुंच पाया। 1960-70 में सरकार ने वापस प्रयास किया, कुछ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करें, कुछ इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट करें कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। प्रयास किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरुआत की गई, उसके साथ साथ व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई विद अ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा उसमें, तकनीक के साथ, तकनीक के साथ क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाए गए थे, हाईली वैरायटी सीड्स व्हिच आर प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के उन्नत बीज होता है उत्पादन करते हैं, कहां प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका प्रयास किया गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट को लगा इसका भी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, ज्यादा पूरे भारत में बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद 1980s और 1990s में वापस गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए, उसमें ज्यादा नेशनल रिफॉर्म ज्यादा थे, संस्था के सुधार ज्यादा किए गए। इसमें देखो व्यवस्था की, क्रॉप इंश्योरेंस है कि किसानों के लिए फसल का बीमा कर दिया गया। क्रॉप इंश्योरेंस मींस किस प्रकार बीमा, अब अगर हम इंश्योरेंस कराते क्यों कराते हैं, कि हमारे पेरेंट्स इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर भगवान ना करे किसी कारणवश हमारे ऊपर से उनका हाथ उठ जाए यानी सहारा चला जाए, उस केस में कोई भी एक सर्टेन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी जिसके बेस पर हम कुछ सर्वाइव कर पाए, हम अपने आप को इस काबिल बना पाए कि आगे अपने अपना जीवन चला पाए, उसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं। उसी प्रकार क्रॉप इंश्योरेंस में क्या था, अगर बाय चांस कोई इलाके जहां बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ड्रोट सूखा पड़ जाए, या फिर कहीं किसी प्रकार से नेचुरल है हमारे यहां आग लग जाए, फसल जल जाए, कोई साइक्लोन वगैरह आ जाए, उस केस में इंश्योरेंस कराया होगा तो उस फसल का पैसा वो कंपनी देगी इंश्योरेंस, सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया। ग्रामीण बैंक, गांव के अंदर बैंक स्थापित किए गए ताकि बहुत ही लो अमाउंट, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको कोई भी अगर आपको क्रेडिट पैसा चाहिए वो मिल जाए लोन, यानी आप गांव में किसी के पास जाए वो आपके पास चार्ज करे 24-30% तक, यानी आप किसी 100 रुपए लें और साल के अंदर उसको 125 रुपए, 120 रुपए, 124 रुपए दें, यानी 2% के अंदर 24% लगा दें, 24 रुपए देने पड़ेंगे आपको साल में, ये आपको देता है 5, यानी ग्रामीण बैंक को 4% पर ही देता है, बाकी जो बैंक है 7% पर देते हैं, यानी आपको केवल 104, तो देखो कितना अंतर आ गया, 20 रुपए का आपके 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए की बचत, अगर आपने लाखों में लोन लिया हो तो ये थे ग्रामीण बैंक। क्रॉप इंश्योरेंस के बाद दूसरा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई ताकि कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करा दिया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये छोटे लेवल पर पैसा प्रोवाइड कराने के लिए, इनकी लिमिट होती है 25-30-40 हज़ार, इतने तक अगर किसी किसान को, छोटे किसान को हेल्प की जरूरत है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई सरकार के द्वारा, सहकारी समितियां जो कि लोअर अमाउंट में आपको अगर आपको किसी पैसे की जरूरत हो प्रोवाइड करा सके, फिर लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उसके बाद है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, एक जिस भी किसान के पास जमीन है उस जमीन के ऊपर एक लिमिट के साथ कि 1 एकड़ का कितना पैसा मिलेगा, क्रेडिट कार्ड बना जाएगा, उस कार्ड के द्वारा आप लोन ले सकते हैं बैंक से। उसके बाद है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत तौर पर, अब देखो साइक्लोन क्या है, साइक्लोन किसी एक के खेत में नहीं आएगा, उसी प्रकार फ्लड है तो कोई जरूरी नहीं कि बाकी जगह तो सूखा रह जाएगा, एक खेत में आगे चली गई बाढ़, ऐसा नहीं होता, यानी उसमें काफी लोग नुकसान करेंगे। पर्सनल एक्सीडेंट में किसी एक व्यक्ति, किसी व्यक्तिगत को किसी कारण नुकसान हो जाए, जैसे अगर आप एक्सीडेंटल तौर पर किसी भी कारण से आप वहां बैठे हैं, हो सकता है खेत में चाय बना रहे हो और उस केस में उस फसल को आग लग जाए, या आपके खेत के ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक वायर जा रही है स्नैपिंग, जैसी वापस में लगा रही, हो सकता है उससे कुछ चिंगारी निकली और आग लग जाए, एक ही व्यक्ति को नुकसान, उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चला दी गई कि व्यक्तिगत अगर किसी को नुकसान होते तो तक देखो क्रॉप इंश्योरेंस सबके लिए उस आसपास में आ गया था, लेकिन यहां है तो उस व्यक्ति को भी उसका मुआवजा मिले। अब उसके बाद है सरकार ने वेदर बुलेटिन जारी किए रेडियो टीवी के ऊपर, यानी मौसम कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन में, कैसा रहेगा महीने में, कैसा रहेगा अगली फसल के दौरान कैसा रहेगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोग्राम की, खेती के लिए प्रोग्राम चलाए गए, जैसे आपके यहाँ रेडियो टीवी के ऊपर उसमें हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं कि अगर आप मूंग की खेती करेंगे तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, यानी कैसी सोयल अच्छी है, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालें, कितनी खाद की जरूरत है, किस टाइम पर पानी की जरूरत होगी, किस टाइम पर कितना पानी दिया जाए, किस टाइम पर उसकी हार्वेस्टिंग सही है, किस प्रकार उसकी सोइंग सही है, किस टाइम पर उसके बीज डाले जाए, कौन से बीज अच्छे हैं, ये हमारे पास क्या है एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा टीवी और रेडियो के ऊपर, दोनों के ऊपर, और मौसम संबंधित सूचनाएं दी जाती है कब कौन सा मौसम कैसा रहेगा, तो ये सरकारी व्यवस्था है कि किसान उस पर ध्यान रखें। फिर हमारे पास देखो, हमारे पास प्रोडक्शन हो गया,
लेकिन समस्या क्या आती है कि हमारे यहाँ मार्केट में अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो बिक नहीं पाता, बिकता है तो सस्ता बिक जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया कम सस्ता बिकेगा, तो उसके लिए सरकार ने क्या करते हैं एमएसपी डिक्लेयर कर दी कुछ क्रॉप्स के लिए, जो हमारे देसी क्रॉप्स हैं, चाहे पल्सिस दालें हैं, चाहे कुछ हमारे पास जो ऑयल सीड्स हैं जैसे मस्टर्ड वगैरह ग्राउंड नट्स, उसके लिए सरकार ने मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, यानी उस कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा, सरकार खरीदेगी। इसलिए जो हमारे यहाँ दलाल है, मिडलमैन या स्पेकुलेशन इसमें दे रखा है, जो दलाल है जो नजर रखते हैं कि हम पैसा कमा लें इस प्रकार से, तो उनको रोकने के लिए सरकार किसानों को उनके चंगुल से, उसके एक्सपोर्टर शोषण से बचाने के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर देती है सरकार, प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर कर देती है। अगर आपको कुछ समय के लिए रखना है, सरकार स्टोर बनाती है आजकल, उस कीमत पर आप रख सकते हैं। तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हमारी खेती के इंप्रूवमेंट के लिए कि किसानों को उसका बेनिफिट मिले। ये सारे ज्यादातर हमारे पास में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो जाता है बोर्ड क्लासेज में, व्हाट आर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। तो इतने सारे सुधार हैं इसमें कि हमारे यहाँ पहले तो 1960-70s में ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाई गई, उसके बाद हमारे यहाँ शुरुआत जब हुई, भारत जब आजाद हुआ तो लैंड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, जमींदार अबोलिशन ऑफ जमींदार, इसकी व्यवस्था की गई। उसके बाद की अगर बात करें तो हमारे पास अब और डीप में आप लिखना चाहें तो 1980s के बाद क्रॉप इंश्योरेंस किया गया, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, कोऑपरेटिव्स की स्थापना की गई, अदर बैंक्स की स्थापना की गई, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, वेदर बुलेटिन जारी किए गए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम जारी किए टीवी और रेडियो के ऊपर, एमएसपी डिक्लेयर की गई सरकार के द्वारा। तो देखो पांच से नहीं आप 10 पॉइंट तक लिख सकते हैं इसके, तो इतने सारे हमारे पास पांच नंबर के अनुसार क्वेश्चन बने, तो इस प्रकार हो सकता है। अब इसमें छोटा सा और दे रखा है, उसमें कई बार तीन नंबर में आ जाता है, कई बार केवल एक व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है कि हु इनिशिएटेड दैट मूवमेंट, भूदान ग्रामदान एक आपका इसमें दे रखा है, भूदान ग्रामदान किसके द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे, कहां आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, विनोबा भावे। इसमें दे रखा है एक चीज और, अब इसमें कई बार एक नंबर के अनुसार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, गांधी जी डिक्लेयर टू होम द स्पिरिचुअल हेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपना खुद का आध्यात्मिक वारिस किसको डिक्लेयर किया, आध्यात्मिक इस प्रकार उनके विचारों को मानने वाला हो, उनके विचारों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो, तो उन्होंने बोला था कि मेरा स्पिरिचुअल हेयर है, मेरा आध्यात्मिक वारिस है ये, कौन, विनोबा भावे। और एक नंबर में ये भी आ सकता है, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट भूदान एंड ग्रामदान, किसने शुरुआत की, विनोबा भावे। अब इसमें था क्या आंदोलन, ग्रामदान और भूदान, भूदान और ग्रामदान था, इसके अंदर विनोबा भावे है वो नॉन वायलेंस मेथड था गांधी जी का, और सत्याग्रह का जो मेथड था उसको अपनाते थे, उसको मानते थे गांधी जी का। अब जैसे ही गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने देश में जगह जगह घूमे, उनके विचारों के साथ ही किस प्रकार हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, इसी दौरान जब वो इस प्रकार मूवमेंट चला रहे थे पूरे देश में कि लोगों का एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, दूसरे जो गरीब लोग हैं लैंडलेस हैं उनको जमीन दान करके हमें सहयोग करना चाहिए, तो इस प्रकार जब वो घूम रहे थे देश में, तो उसी दौरान कुछ किसानों ने मिलकर पच्चमपल्ली आंध्र प्रदेश में जगह है, जब वो वहां थे तो वहां किसानों ने, कुछ लैंडलेस फार्मर्स थे, उन्होंने मांग की कि सर हमारे पास जमीन नहीं है और हमें जमीन प्रोवाइड कराई जाए। अब उसके पास खुद के पास जमीन थी नहीं कि वो दे देगा, अगर कोई मेरे से वो चीज मांगे तो मेरे पास है तो मैं बोल दूं हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन तो चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं हाँ कैसे करूंगा। तो विनोबा भावे ने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसने बोला कि ठीक है मैं इस बारे में बात करूंगा कहां सरकार से। उसी दौरान ये देखिए रामचंद्र रेड्डी ये खड़े हुए, उन्होंने 80 लैंडलेस फार्मर के लिए 80 एकड़ जमीन दान कर दी, इनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, इन्होंने खड़े होकर उसी वक्त 80 एकड़ जमीन, यानी एक किसान के हिस्से में एक एकड़ जमीन आ जाए, वो अपनी दान कर दी कि इन किसानों को दे दी जाए, इसको बोला गया भूदान कि जमीन दान की गई। अब उसके बाद बहुत सारे उस टाइम पर जमींदार थे, वो क्या था कि कई गांव के ऊपर एक जमींदार होता था, यानी उन्होंने धीरे धीरे सारे गांव की जमीन अपने अंतर्गत आती थी, वो रेंट पर देते या किसानों को अपने यहाँ किराए पर वैसे रखते कि काम कराए मजदूरी कराते थे। अब कुछ ही किसान ऐसे उन्होंने पूरे के पूरे गांव दान कर दिए, यानी इनसे प्रभावित होकर, इनके विचारों से प्रभावित होकर कुछ एक लोगों ने अपने पूरे गांव दान, जिसको बोलते हैं ग्रामदान, भूदान जमीन दान करना, ग्रामदान गांव के गांव दे देना। तो भूदान क्या था, तो जमीन दान की उसको भूदान बोला गया, गांव के गांव दान दे वो क्या बोला गया ग्रामदान। अब इसमें एक चीज और थी, ऐसा नहीं कि सब ने अपनी इच्छा से प्रभावित होकर की गई, कुछ एक डर इस चीज का था, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इनिशिएट लैंड सीलिंग एक्ट। सीलिंग क्या है, देखो आप घर में कभी देखा सीलिंग फैन,
सीलिंग फैन कौन सा होता है, छत के ऊपर पंखा ऊपर लगाओ। सीलिंग क्या है, हमारे रूम की लिमिट ही तो है, यानी उससे ऊपर हमारा रूम खत्म, छत आ गई। तो वैसे ही मैक्सिमम की इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं है। तो लैंड सीलिंग एक्ट क्या था, जमीन इससे ज्यादा नहीं होगी। लैंड सीलिंग एक्ट की सरकार ही डिसाइड करती है, इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। तो इन जो जमींदार बैठा था, ये भी डर था कि सरकार ऐसा कोई कानून न बनाते इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी तो हमारी जमीन वैसी चली जाएगी, क्यों ना हम पहले ही दे दें लोगों को, ताकि सरकार का ध्यान न जाए, सरकार को लगे लोग खुशहाल है जमीन मिल गई, ताकि ऐसा कोई एक्ट न बनाए। तो कुछ एक ने लैंड सीलिंग एक्ट के डर से भी जमीन दान की थी, ताकि उनसे अनावश्यक जो जमीन ज्यादा उनके पास हो सरकार न ले पाए, ऐसा कोई कानून न बनाए। तो इसमें भूदान ग्रामदान था, विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के दौरान लोगों को जगह जगह जाकर उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों की मदद करने के लिए गांधी जी के विचारों को स्प्रेड किया कि हमें अगर कोई भी हमारे साथ गलत हो उसके खिलाफ सत्याग्रह करें, लेकिन नॉन वायलेंस मेथड से। इसको एक और चीज बोला गया, ब्लड लेस रिवोल्यूशन, यानी खून रहित क्रांति। कोई खून नहीं बहा गया इसमें, लेकिन फिर भी लोगों को जमीन मिल गई। क्यों बोला गया, क्योंकि नॉन वायलेंस मेथड से चलाई गई, जो लोगों ने अपने आप दान कर दिया। इसमें यह किया जाता है, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ब्लड लेस रिवोल्यूशन, तो कौन सी, भूदान ग्रामदान। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही। इसमें इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स डन इन इंडिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर द फार्मर्स एज वेल एज देयर इनकम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बाय मेकिंग ए कॉल और बाय लीविंग ए मैसेज। थैंक यू।